परिवारों ने कोरोना काल के दौरान घर के कर्ता पुरुष को खोया, ऐसी महिलाओं और बच्चों को आमदार राजू परवी और सह्याद्री फाउंडेशन के हाथों 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता का वितरण भीवापुर कुही उमरेड तालुका में जिलाधिकारी विमला आर के हाथों किया गया। इस दौरान 176 महिलाओं को ये आर्थिक सहायता प्राप्त की गयी। विधायक राजू परवे, जनसेवा प्रतिष्ठान उमरेड और सह्याद्री फाउंडेशन नागपुर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान कई लोग इस संक्रमण के शिकार हुए और कई महिला परिवारों का सफाया हो गया। हमने घर जाकर उन्हें सांत्वना दी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें समर्थन की सख्त जरूरत है, इसलिए हमें शोक संतप्त परिवारों की सरकारी सूची बनाकर उनकी मदद का हाथ बढ़ाया। विधायक राजू परवे ने शोक संतप्त परिवारों की सुरक्षता स्वीकार की। यदि वे संतुष्ट नहीं है तो हर परिवार को अब उनकी मदद लेनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इससे हर विधवा लाभान्वित हुई। कई विधवाओं ने जिला अधिकारी को अपने विचार व्यक्त किए कि उनके परिवार कैसे कर रहे हैं और कैसे एक सरकारी अधिकारी उन्हें कागजात दाखिल करने के लिए परेशान कर रहा है। उन्होंने तुरंत प्रमाण पत्र वितरण का आदेश दिया, यह ध्यान रखते हुए कि किसी विधवा को नुकसान न पहुंचे। इस बीच उमरेड कुही भीवापुर तालुका के कई नागरिक मंच पर मौजूद थे। उपमंडल अधिकारी भीमराव टेड़ी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर मौजूद थे। मंचावरील सर्व मान्यवर आणि माझ्यासमोर माझे बंधू आणि पत्नी अत्यंत भावुक वाटत आहे। आजचा जो कार्यक्रम आहे याच्यामध्ये दुःख एकमेकांसोबत आपण जेव्हा शेअर करतो असा हा क्षण आहे। आयुष्यामध्ये अनेक लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रसंग येतात, परंतु कोविडसारख्या आजारामुळे अचानक अनेक लोकांच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठा कष्ट समोर आलेला आहे। त्यामध्ये आपले आप्तेष्ट अनेकांचे गेलेले आहेत आणि आज विशेषतः जे आपण बघतो अनेक जे इथे महिला आहेत लहान वयातील, त्यांनी आपलं सोबतचं साथीदार गमावलेलं आहे। BCN News के लिए भीवापुर से राम वाघमारे की रिपोर्ट।